हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमचंद्र उपाध्याय। तो आज हम सी सीखने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं सी सीखने के लिए? से यस इफ यू आर रेडी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए, आपने यस तो कहा ही नहीं, फिर भी हम अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं सी का। जो भी हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि वाई सी इज सो इम्पोर्टेंट। Why C is so important? तो आप बताएंगे कि C important क्यों है? कोशिश कीजिए। चलिए मैं ही बताता हूँ कि C इतनी important क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको दो points बताऊँगा। पहला point ये कि C आपके जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, जो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो अच्छे हो जाएंगी और आप दूसरी लैंग्वेजेस आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक होता है वो हर लैंग्वेज में सेम होता है। हैव यू गॉट इट? यस। तो मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि जो सी है वो आपके रिज्यूमे में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अपने रिज्यूमे में ये मेंशन करेंगे कि आपको सी आती है, तो ये आपके रिज्यूमे के लिए बहुत अच्छा है, आपके रिज्यूमे के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्लियर है? जैसा कि आपने देखा कि सी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो हम ये देखते हैं कि सी होती क्या है। तो मेरा आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सी? क्या क्या मैंने, व्हाट इज सी? तो क्या आप बताएंगे कि व्हाट इज सी? कोशिश कीजिए, बताइए, आपको पता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या आपको पता है कि लैंग्वेज क्या है? अरे क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ दिया मैंने आपसे, आपको तो पता ही होगा लैंग्वेज क्या है। यस, लैंग्वेज इज मींस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मींस कि अगर दो पर्संस हैं, अगर उनको आपस में अपने थॉट्स शेयर करने हैं, तो एक मीडियम चाहिए होता है पर्संस को आपस में थॉट शेयर करने के लिए, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं, ताकि वो एक दूसरे के थॉट्स को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। प्रोग्रामिंग मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या कहा मैंने? प्रोग्रामिंग मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, ह्यूमन के लिए या मशीन के लिए? अगर आपको किसी ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप कैसे देंगे? उसी की लैंग्वेज में देंगे जो वो अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि इंग्लिश में देंगे, हिंदी में देंगे, मराठी में देंगे, बंगाली में देंगे, और भी किसी लैंग्वेज में देंगे जो वो अंडरस्टैंड करता है। सिमिलरली, अगर आपको मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसी की लैंग्वेज में देनी पड़ेगी जो मशीन अंडरस्टैंड करता है, और मशीन तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, और हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते ही नहीं, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। तो डेवलपर्स ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करी जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके, जैसे कि कोबोल, पास्कल, फॉर्टन, सी भी उन लैंग्वेजेस में एक है। तो मशीन क्या है, सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है और हम सी लैंग्वेज को सीख लेते हैं, और सी लैंग्वेज में ही मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम।